हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम होगा कि आज दिवाली का सीजन तो चालू है, पर दिवाली के सीजन में देखा जाए तो आप कपड़े ले रहे हैं, पटाखे ले रहे हैं, पर ऐसे समय में भी देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसों का, खुद का एक अच्छी जगह क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और निवेश कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज हम कपड़े तो ले रहे हैं, पटाखे भी ले रहे हैं, पर अगर इस पैसे को हम अच्छी जगह यूटिलाइज करते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपना ही पैसा आने वाले समय में क्या होता है, दुगना होता है और अच्छा खासा हमको उसका रिटर्न भी मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आज दिवाली के समय में अगर हम अच्छे खासे पैसे को अपना अच्छी जगह, चाहे वो बैंक हो गए, फाइनेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, एक ऐसे सेक्टर में लगाते हो जहाँ पे आपको आने वाले समय में आपकी जरूरतों के हिसाब से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आज मैं ऐसे ही फाइनेंस कंपनी, बैंक्स हो गए जो आपको अच्छा खासा फीसदी पर ब्याज दे रहे हैं, ऐसे बैंकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप एक अच्छा खासा रिटर्न इस माध्यम से ले सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है यूवी, आप देख रहे हैं इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स। और आज क्या है इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स में खास आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम होगा कि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इस दिवाली के सीजन में भी हम कहीं पे ना कहीं पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अच्छा खासा बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस दिवाली सीजन में देखा जाए तो आपको अच्छे खासे ऑफर पर क्या कर रहे हैं, पैसा बचत कर, पैसा इन्वेस्ट करने का एक मौका दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक चाहे SBI हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट इंडसइंड बैंक हो, आरबीएल बैंक हो, ये ऐसे बैंक्स जो आपको कम से कम साल के लिए आपको एक अच्छे ब्याज के ऊपर आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मान के चलिए आप अपना ये दिवाली का पैसा, देखिए दोस्तों, आज दिवाली के समय बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको बोनस भी मिल रहे हैं, अच्छा खासा उनको इनकम भी मिल रहा है, तो वो अपना पैसा इस सेक्टर में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अगर बैंक की, अगर मैं बात करता हूँ तो आज आप एक साल हो गए, तीन साल हो गए, पांच साल के लिए भी क्या कर सकते हो, एक 2020 में एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए आप पैसा क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, और 2021 में आपको उसका एक अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों देखिए, आज हमारे देश के सरकारी बैंक हो गए, जो नेशनलाइज बैंक है, वो हमारे लोगों के लिए एक अच्छा खासा प्लान लेकर आए, चाहे वो आप कम से कम एक साल के लिए हम देखते हैं तो उसमें एक फिक्स डिपॉजिट आप क्या कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट आप आने वाले समय के लिए अच्छा खासा रिटर्न का क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज एक साल के लिए अगर आप बिचना कुछ भी पैसा, आपकी जमा पूंजी आप यहाँ पे डाल रहे हैं, तो आपको कौन सा और कितने ब्याज प्रतिशत पर, कितने फीसदी पर आपको वो इंटरेस्ट दे रही है बैंक, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारे देश की कौन सी पहली बैंक है जो अच्छा खासा रिटर्न आपको एक साल में दे रही है। तो देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको एक साल के लिए एक अच्छा खासा मुनाफा, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलिए दोस्तों, आप अगर कस्टमर या एज अ अपनी खुद की इनकम में खुद का पैसा अगर आप एक साल के लिए वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के लिए डालते हो, तो वहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.90% फीसदी ब्याज के हिसाब से आपको एक साल में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर मान के चलते हैं कि 1,00,000 रुपये भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डालते हो, तो वहाँ पे आपको 1,00,000 के ऊपर 4.90% आपको क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब आपका एक साल में टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो निकलता है वो होता है 1,04,990 रुपये, आपको एक साल में आपको रिटर्न मिलता है। वही अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में आपको 5.25% फीसदी ब्याज आपको क्या मिल रहा है, एक साल के लिए FD के ऊपर अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगर सेम वही 1,00,000 रुपये आप बैंक ऑफ इंडिया में डालते हो, तो बैंक ऑफ इंडिया में आपको 5.25% आपको फिर इंटरेस्ट मिल रहा है,
मतलब सालाना एक साल में आपको 1 लाख के ऊपर देखते हैं, तो आपको 1,05,354 रुपये आपको क्या मिल रहे हैं, एक साल में रिटर्न मिल रहे हैं। दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आप राजस्व विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस के जरिए भी आप अच्छा खासा आपका पैसा एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रही है। एक साल के ऊपर आपको देखा जाए तो 5.50% आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब साल भर के लिए, मतलब एक साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए भी डालते हो तो 1 लाख के ऊपर आपको सालाना भर में टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो मिल रहा है वो 1,05,306 रुपये मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा खासा एफडी अमाउंट आप एक साल में ले सकते हो। इसके बावजूद भी और बैंक आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो इंडसइंड एक कमर्शियल बैंक है जो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक साल के लिए फिर एफडी के ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। उसके बाद आरबीएल बैंक है, एक जो कमर्शियल बैंक है आरबीएल बैंक, जो आपको वहां पे भी अगर देखा जाए तो 6.75% आपको एक साल के लिए क्या दे रहे हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये होती है बैंक के बारे में। अगर आप बैंक चाहे बैंक में देखा जाए या पोस्ट ऑफिस में देखा जाए, तो एक अच्छा खासा आप दिवाली के समय में एक अच्छा खासा क्या कर सकते हो, एफडी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट अपना पैसा निवेश कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई एक बैंकों की, या बैंकों के ऊपर आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट तो मिलता है एक साल के लिए, ठीक है। तो ये एक साल के लिए एक प्लान हो गया जो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक दे रही है। उसके बावजूद देखते हैं, अगर आपको 3 साल हो गए या उसके ऊपर 5 साल, तो ऐसे 3 या 5 साल के ऊपर भी ऐसे अच्छे खासे एक रिटर्न आप ले सकते हैं अलग अलग फाइनेंस फाइनेंस बैंक के माध्यम से। जो देखा जाए, देखिए आज फाइनेंस कंपनी हो गई, फाइनेंस बैंक हो गई, इसके माध्यम से भी आप इस दिवाली के अवसर पर 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए और 10 साल के लिए भी एक अच्छा खासा एफडी के माध्यम से एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय के लिए आप एक बहुत बड़ा अमाउंट रिटर्न के जरिए आप ले सकते हो। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज फाइनेंस कंपनी जो फाइनेंस बैंक भी है उसके अंदर भी एक अच्छा खासा कितने प्रतिशत ब्याज जो ग्राहकों को मिल रहा है ये भी देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, कि आपके फायदे के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अभी बात की बैंकों के बारे में, अगर बैंक में आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो वहां पे भी ले सकते हो। पर इसके बावजूद भी अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अगर जाते हो, तो वहां पे भी आप एक अच्छा खासा क्या कर सकते हो, रिटर्न ले सकते हो। जैसे देखा जाए तो नंबर 1 के ऊपर आप देख सकते हैं कि श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, एक आप दिवाली के ऐसे अवसर पर आप देखा जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है और आपको 3 साल से या 5 साल के बीच या उससे ज्यादा दिनों के लिए अगर वो एफडी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहां पे आपको देखा जाए तो 8.8% की हिसाब से, मतलब 8% हिसाब से आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको एफडी के ऊपर मिल जाता है। अगर मान के चलो कोई इंसान की उम्र अगर 60 साल या इसके नीचे होती है, 60 साल के नीचे होती है, तो उनको कम से कम 8.10% क्या उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसके अगर 60 साल के उम्र के ऊपर भी अगर कोई इंसान या कोई बुजुर्ग इंसान इस श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में अगर एफडी के जरिए 3 साल या 5 साल के ऊपर अगर एफडी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनको कम से कम 8% देखा जाए तो एक अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है। मतलब 8.49% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको 3 से 5 साल के लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ये श्रीराम सिटी यूनियन बैंक फाइनेंस आपको दे रही है। तो एक अच्छा खासा एक ऑप्शन है श्रीराम सिटी का, जहाँ पर आप एक अपना पैसा खुद एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो दूसरे नंबर पर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पे नेशनल बैंक तो बैंक तो है ही, पर RBI के माध्यम से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज हमारे देश में कार्यरत है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर देखा जाए तो आपको 3 से 5 साल या उसके ज़्यादा टर्म के लिए आपको इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.5% से 9% आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बैंक है, एक अच्छी स्मॉल बैंक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक 3 से 5 साल के लिए एक अच्छा खासा इंटरेस्ट ले सकते हो। और दोस्तों तीसरे नंबर पर अगर स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है वो देखा जाए तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके एरिया में ऐसे कोई फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वहाँ आप नजदीकी उनके शाखा में जाकर इसकी मालूमात कर सकते, इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते। यहाँ पर भी इसमें देखा जाए तो 1 साल 3 साल 5 साल के ऊपर आपको यहाँ पे 7%, 7.5%, 8% और 9%, मतलब अलग अलग साल के लिए, उसके ज़्यादा दिनों के लिए आपको ये फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको अच्छी भी फीसदी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा 1 साल 5 साल या 3 साल के लिए एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ से दे रही है। तो यह फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप अच्छा खासा 1 लाख के ऊपर और 1 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों चौथे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। या दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा टर्म के लिए नहीं है, मान के चलो आप 6 महीने या 9 महीने चाहे 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हो। मान के चलिए आप 6 महीनों के लिए या 9 महीने के लिए एक लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, FD के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे 7.50% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इस फाइनेंस बैंक के माध्यम से मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए और हमारे नेशनलाइज बैंक हो गए, इसके ऊपर टोटली RBI का एक कंट्रोल होता है, जहाँ पे आपको आपका पैसा बढ़ाने के लिए, आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको रेट ऑफ रिटर्न लेने के लिए बनाया जाता है, ये योजना ही आपके लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, दिवाली के इस पावन अवसर पर अगर आप पैसा खर्च करने के बजाय अगर आप अपना पैसा कहीं पे ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे गोल्ड हो गया चाहे FD हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में आप गोल्ड भी परचेज कर सकते हो या फिर बैंक में आप फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी पैसा आप FD इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों आज इस दिवाली के अवसर पर हम ज़्यादा कुछ फटाके या कपड़े ना खरीदते हुए अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छी बात होती है, अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो सकती है साबित। क्योंकि देखिए, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया, बहुत सारे लोगों का एक इनकम आने वाला बंद हो गया। तो आज हमारे पास जो भी सोर्सेस के माध्यम से हमें पैसा आ रहा है, वो अगर हम एक अच्छी खासी जगह एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले भविष्य के समय में हमें उसका अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे एक वीडियो में देखते हैं, चाहे आप मैं हो गया चाहे आप हो गए, आप सभी लोग इस टॉपिक के ऊपर आप देखिए और बताइए मुझे, अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छी जगह कीजिए जिसका आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छा अपना पैसा एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि पैसा आपका खुद का है और आपको खुद को जानना भी जरूरी है कि आपको आने वाले समय में आपका पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Every single day.